अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जाने जागीर की एपिसोड 2 आपकी खिदमत में हासिल है, जिसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 2 की तरफ चलते हैं। वो आज यूनिवर्सिटी से काफ़ी लेट हो गई थी, जिस वजह से वो बड़े बड़े कदम उठाती अपनी क्लास की जाने बढ़ रही थी, जब उसे एक लड़की की चहकती हुई आवाज आई। वो लड़की जिस शख्स के बारे में बात कर रही थी, उसका नाम सुनकर एमल का हलक तक कड़वा हो गया था। यार, जज़लान खान हकीकत में इतना हैंडसम है कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती, और सबसे बढ़कर इतना अमीर होने के बावजूद उसमें जरा सा भी गुरूर नहीं है। वो लड़की जिसका नाम महविश था, वो चहक चहक कर अपनी दोस्तों को बता रही थी, जबकि इनसे कुछ फासले पर खड़ी एमल के अंदर एक नफरत की लहर दौड़ गई थी। तुम्हें पता है, वो इतना अच्छा है कि जब उसके गार्ड्स मुझे मेरे घर छोड़ के गए, तो उसने खुद फोन करके पूछा था कि मैं बाहिफाजत घर पहुंच गई हूँ, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई। महविश दिल पे हाथ रखे जज़लान की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। जब एमल से बर्दाश्त ना हुआ तो वो गुस्से से उन लड़कियों की जानिब बढ़ी। तुम जिस जज़लान खान को इतना अच्छा, प्यारा और हमदर्द समझ रही हो ना, वो असल में इंसान के रूप में छुपा एक भेड़िया है, जो लाखों लड़कियों को खा चुका है। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम उससे जितना हो सके दूर रहो, वरना वो तुम्हें भी खा जाएगा। एमल ने एक अच्छे इंसान का फर्ज निभाते उसे समझाया था, जबकि वो लड़कियां उसे गुस्से से घूर रही थी। एक्सक्यूज मी मिस, अपने मशवरे अपने पास रखो, और खबरदार जो तुमने जज़लान खान के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। महविश उंगली उठा के बोली, उसे कहाँ गवारा था कि कोई जज़लान खान को बुरा भला कहे। मैं मशवरा नहीं दे रही, एक अच्छी इंसान होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। वो वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है, उसने तुम लोगों की आंखों पर अपनी झूठी खिदमत और हमदर्दी की पट्टी बांधी हुई है, और ये पट्टी एक दिन मैं उतार के रहूंगी, उसका असल चेहरा सबके सामने ला के रहूंगी। वो प्यार से समझाती आखिर में दुरुस्तगी से बोली, तुम जरूर उसकी मुखालिफ पार्टी में से होगी, तभी तुम जज़लान खान के बारे में ऐसी बकवास कर रही हो। महविश नागवारी से बोली थी, तुम सबको समझाना ही बेकार है, तुम लोग इन्हीं में से हो, जब तक तुम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा तब तक तुम लोग किसी की बात पर यकीन नहीं करोगी। खैर, मेरा काम था समझाना, वो मैं कर चुकी हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो दिल में आए वो करो। एमल स्पार्ट लहजे में कहती सर झटक के अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई। उसने अपनी तरफ से इन्हें समझाने की पूरी कोशिश की थी। अब अगर वो लोग खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाह रही थी तो इसमें एमल कुछ नहीं कर सकती थी। जज़लान बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेटा सो रहा था, जब उसका फोन बजा। फोन की आवाज से उसकी नींद में खलल पैदा हुआ, जिसपे उसने मुंह बनाते हाथ मार कर बेड पे पड़ा फोन उठाया। ये सुबह सुबह किसको मौत आ गई है जो मेरी नींद खराब कर रहे हो? वो कॉल रिसीव करते फोन कान से लगाए दबा दबा हो रहा है, तो फोन के दूसरी तरफ उसके खास आदमी जवाब ने फोन कान से हटाए फोन को घूरा। सर, वो नास मैडम आई हैं यहाँ फार्म हाउस पे, और यहाँ आके काफी शोर शराबा कर रही हैं कि इन्हें आपसे मिलना है। जवाद ने उसे फोन करने की वजह बताई तो जज़लान ने सीधे होते अपना हाथ मुंह पे फेरा, ठीक है उसे वहीं रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ, और हाँ वो कोई मैडम मैडम नहीं है, समझे? जज़लान ने सख्ती से कहते कॉल काट दी और फिर उठ के एक भरपूर अंगड़ाई ली। आज इस नाज का भी पता कट करता हूँ, वो बुड़बड़ाता हुआ ड्रेसिंग रूम में घुस गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद फ्रेश सा ब्राउन पैंट पे हाफ बाजुओं की वाइट शर्ट पहने तैयार श्यार होकर नीचे आया, तो हॉल में उसकी माँ और बहन बैठे थे। वो इन्हें कुछ भी बताए बगैर सीधा बाहर की जाने बढ़ गया। जज़लान बेटा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो, सब ठीक तो है ना? नूर बेगम ने उसे बाहर निकलते देख नरमी से पूछा। काम से जा रहा हूँ, वो स्पार्ट अंदाज में कहता आगे बढ़ गया। भाई नाश्ता तो कर ले, नवाल ने उसे पुकारा, तो वो आंखों में गुस्सा लिए उसकी जानी पलटा।
मैंने कहा ना, काम से जा रहा हूँ, फिर भी पीछे से क्यों आवाजें दे रही हो? एक बार की कही बात समझ में नहीं आती। उसने गुस्से से नवाल को झटका तो वो रोने वाली हो गई। जजलान, वो तो बस तुमसे पूछ रही है, उसे तुम्हारी फिक्र है इसलिए। नूर बेगम ने जजलान का गुस्सा देखते थोड़े सख्ती से कहा। अभी वहाँ उनके शौहर मौजूद नहीं थे, तभी वो थोड़ा सख्ती से बोली थी, वरना उनके सामने तो वो उनके बेटों को कुछ कह भी नहीं सकती थी। अपनी फिक्र अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए, जजलान बेरुखी से कहता जाने के लिए मुड़ा। जब नवाल की आंखों में आंसू देखते नूर बेगम ने उसे टोका, जजलान ये कैसे बात कर रहे हो, छोटी बहन है तुम्हारी। छोटी बहन? बाबा से कहता हूँ जल्द ही कोई रिश्ता देखें और इस जिम्मेदारी से सबको दोष हो। जजलान एक आखिरी नजर माँ और रोती हुई बहन पे डाल के तेजी से बाहर निकल गया। नवाल, रो नहीं मेरा बच्चा, तुम तो जानती हो अपने भाई को, फिर भी उसकी बात का बुरा मना रही हो। नूर बेगम ने उसे अपने साथ लगाया, जबकि नवाल का दिल एक बार फिर अपने भाई के रवैये पर टूट गया था। मामा, जब सब ही मुझसे नफरत करते हैं, मुझे एक जिम्मेदारी से ज्यादा और कुछ नहीं समझते, तो फिर मुझे पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया था? क्यों मुझे अपने रवैयों से रोज अजियत देते हैं? क्या बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है जो ये सब मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं? नवाल कर्ब से कहती रोती हुई उठकर अपने कमरे में भाग गई। नूर बेगम ने दुख से अपनी बेटी को देखा। या अल्लाह, मेरी बच्ची को सबर दे, उसके बाप भाइयों के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दे। नूर बेगम नम आंखों को साफ कर दे दुआ गो हूँ। उनके साथ भी शादी से पहले यही हुआ था, लेकिन जब तुराब खान का रिश्ता आया और उन्हें ये पता चला कि वो इन्हें पसंद करते हैं, तो उनके दिल में एक किरण जागी थी कि चाहे उनके बाप भाई उनसे मोहब्बत ना करें, मगर उनका शौहर तो उनसे मोहब्बत करता होगा। मगर शादी के दूसरे ही दिन तुराब खान ने इन्हें साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो भले इन्हें पसंद करते हों, मगर वो औरतों को ज्यादा सर नहीं चढ़ाते, इसलिए वो अपनी औकात में रहें और उनके फैसले या किसी भी बात के बीच ना ही बोलें तो उनके लिए अच्छा है। और उन्होंने ऐसा ही किया था, कभी उनसे कुछ नहीं कहा था, मगर उन्होंने अपने पहले बेटे की पैदाइश के बाद तो जैसे तुराब खान बिल्कुल बदल से गए थे। और फिर जब इन्हें दूसरी बार माँ बनने की खुशखबरी मिली तो जब भी तुराब खान ने इनका बहुत ख्याल रखा और उनका एक और वारिस आने वाला था, वो बहुत खुश थे। मगर जब नूर बेगम ने नवाल को जन्म दिया तो तुराब खान फिर से पहले जैसे हो गए थे, वो एक और बेटा चाहते थे, जबकि उन्होंने बेटी को पैदा किया था जिसका जिम्मेदार भी उन्होंने नूर बेगम को ठहराया था। जब से लेकर आज तक तुराब खान का रवैया ना ही नूर बेगम के साथ ठीक था और ना ही नवाल के साथ। फार्म हाउस के बाहर गाड़ी रोकते मजबूत कदम उठाते अंदर बढ़ा। वो लाउंज में पहुंचा तो नाज सामने ही सोफे पर बैठी थी। उसने पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, शायद वो आज भी जजलान खान को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने आई थी, मगर वो जजलान खान को जानती नहीं थी। डार्लिंग, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? कल भी मैं तुम्हारे डेरे पे गई थी, वहां से तुम्हें इतनी कॉल्स की थी, मगर तुमने मेरा एक फोन भी रिसीव नहीं किया। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? नाज एक अदा से उठती उसके पास आती, उसके गले में बाहें डाले खुकी से बोली तो जजलान के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कुराहट आ गई, जबकि जवाद और उसके गार्ड्स नाज की हरकत पर गर्दन झुका गए। जवाद, जजलान ने जवाद को आवाज दी जो फौरन उसकी पुकार का मतलब समझते अपनी जेब से एक चेक और पेन निकालते जजलान के पास आया। जजलान ने नाज की बाहें धीरे से अपनी गर्दन से निकाली और जवाद से चेक और पेन दे दे चेक पे साइन करके नाज की जानिब बढ़ा दिया। ये क्या है डार्लिंग? नाज ने नासमझी से चेक को देखा। उसने जब भी जजलान से पैसे मांगे थे तो उसने डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे भेजे थे, मगर आज ये चेक देख के नाज उलझी थी। मेरे साथ इतने दिन रहने की ये तुम्हारी कीमत है? जजलान चेक उसकी जानिब उछालते इत्मीनान से सोफे पे आके बैठ गया, जबकि नाज तो बेयकीनी से उसे देख रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो जजलान? मैं कोई तवायफ नहीं हूँ जो तुम मुझे मेरी कीमत दे रहे हो, नाज ने गुठियां भींचे कहा। वो कैसे इस मोटी आसामी को हाथ से जाने दे सकती थी? जवाब
उसने फिर जवाद को पुकारा और इस बार भी जवाद उसकी पुकार का मतलब समझते कोट की जेब से एक लफाफा निकालते नाज की जानी बढ़ा गया। नाज ने एक नजर सोफे पे टांग रखे सुकून से बैठे जजलान को देखा और फिर जवाद के हाथ से लफाफा झिपटा। उसने लफाफा खोला तो उसमें तस्वीरें मौजूद थीं। उसने जैसे ही तस्वीरें निकाल के देखना शुरू की उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं। हाँ तो तुम क्या कह रही थी, जजलान उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते मजे से बोला। ये सब क्या है, नाज की जुबान लड़खड़ाई। लफाफे में जो तस्वीरें मौजूद थीं इन्हें देखते नाज के तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इन तस्वीरों में नाज अलग अलग लड़कों के साथ काफी नाजे हरकत करती नजर आ रही थी। नाज को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब जजवान के पास कैसे आई। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। जो तुमने अपने यारों के साथ रंगरलियां मनाई थी ये उसकी तस्वीरें हैं, जजलान ने मुस्कुराते लहजे में कहा। तो नाज को सांप सूंघ गया। अब बोलो क्या अब भी तुम किसी तवाइफ से कम हो, जजलान तंजिया गोया हुआ। ये सच नहीं है, जजलान को हाथ से निकलते देख नाज ने बहाना करना चाहा लेकिन वो नहीं जानती थी कि सामने भी जागीरदार जजलान खान है, एक शातिर सियासतदान। मुझे और भी बहुत से काम है इसलिए मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि मैं सच जानता हूँ और ये तो सिर्फ तस्वीरें हैं, बाकी इनकी सारी वीडियोस भी पड़ी हैं मेरे पास। तुम चाहते क्या हो, नाज इन तस्वीरों को मुट्ठी में भींचते गुस्से से चिल्लाई, आवाज नीची। जितनी तेज नाज की आवाज थी उससे चार गुना तेज जजलान धाड़ा था, जिसे सुन नाज एक पल के लिए कांप गई। आज के बाद मैं तुम्हें अपने इर्द गिर्द भी ना पाऊं, इसलिए खामोशी से जमीन पर पड़ा चेक उठाओ और अपना मुंह लेके यहाँ से दफा हो जाओ, वो ठंडे ठार लहजे में बोला। तो नाज के जिस्म में एकदम सनसनाहट हुई मगर वो ढीठ लड़की जल्द ही संभल गई। मैं तुम्हारे खिलाफ मीडिया में जाऊंगी, वो बगैर सोचे समझे बोली तो लाउंज में जजलान का जानदार कहका बुलंद हुआ। बेवकूफ लड़की, तुम मीडिया में जाना चाहती हो, शौक से जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस तुम्हारी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, फिर तुम जानो और तुम्हारे घर वाले, जजलान शाने रिचकाए लापरवाही से बोला। तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, नाज के हलक से आवाज निकलने से इनकारी थी। वो ये सोच के ही कांप गई थी कि अगर जजलान ने वाकई उसकी तस्वीरें और वीडियोस वायरल कर दी तो वो क्या मुंह दिखाएगी सबको, और उसके घर वाले जो उसे एक शरीफ लड़की समझते हैं वो तो उसकी हरकतों पर उसे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। नहीं प्लीज ऐसा नहीं करना, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, पर प्लीज ये तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पे नहीं डालना प्लीज, नास ने खौफ ज़दा होके उसके आगे हाथ जोड़े। ठीक है फिर 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, जजमान के कहने की देर थी कि नास गधे के सर से सिंह की तरह वहां से गायब हुई थी, जबकि 20 लाख का चेक अभी भी जमीन पर पड़ा था। 2 टके की औरत मुझसे होशियारी कर रही थी। उसके जाते ही जजवान पीछे की जाने सर गिराए जोर से हंसा। तुम सब जाओ यहाँ से और तुम मेरे लिए बियर लेकर आओ, जब तक मैं अपनी नई हसीना से बात कर देता हूँ, वो अपने गार्ड्स को कहता जवाब से मुखातिब होते जेब से फोन निकालते अपने नए दिल बहलाने वाले खिलौने को फोन करने लगा, क्योंकि उसके नजदीक लड़कियां सिर्फ एक खिलौना थी जिन्हें सिर्फ यूज किया जाता था। मामा हम अपनी एक दोस्त की तरफ जा रहे हैं, कुछ देर में वापस आ जाएंगे, आहिला अपनी माँ से कहते बाहर निकल गई। उसने पर्पल अबाये के साथ हमरंग हिजाब किया हुआ था जिसे उसकी सिर्फ सुरमई आंखें नजर आ रही थी। वो गाड़ी में बैठती ड्राइवर के साथ अपनी दोस्त के घर के लिए निकल गई। अंकल किसी बेकरी पे रोक दीजिएगा, वो काफी दिन बाद अपनी दोस्त के घर जा रही थी इसलिए वो उसके लिए कुछ लेकर जाना चाहती थी। ड्राइवर ने उसके कहे के मुताबिक गाड़ी एक बहुत बड़ी बेकरी के आगे रोक दी थी। वो अपना पर्स लिए ड्राइवर को 2 मिनट का कहते गाड़ी से उतर गई। थोड़ी देर बाद वो बेकरी से केक लेकर बाहर निकली तो थोड़ी ही आगे एक फूलों वाली दुकान थी। वो फूल लेने की गर्ज से इस दुकान की जाने बढ़ी, जब ही उसे रोड के किनारे एक ज़ईफ़ खातून नजर आई जो गालबन रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, मगर तेज रफ्तार में आती गाड़ियों के बाइस वो बेबसी से वहीं खड़ी हुई थी। आंटी क्या आपको रोड क्रॉस करना है, आयला उनके पास आते प्यार से इस्तफसार करने लगी।
तो उस खातून ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। आए, हम आपको रोड क्रॉस करवा देते हैं। वो इस खातून का हाथ पकड़े एहतियात से इन्हें लिए आगे बढ़ी। शुक्रिया बेटा, मैं कब से खड़ी थी मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की, मगर तुमने की। तुम वाकई एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। वो खातून आहिस्ता आहिस्ता चलती आयला की तारीफ करने लगी। वो इससे काफी इंप्रेस हुई थी। जबकि ध्यान से रोड क्रॉस करते उनकी बात सुनकर आयला धीरे से मुस्कुराई थी। उसे अपने आप पे फख्र हुआ था कि आज किसी की मदद करने से उसकी बल्कि उसके माँ बाप की भी तारीफ हुई थी। ये बात उसके लिए किसी एहसास से कम नहीं थी। वो इधर उधर देखते ही आगे बढ़ रही थी जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एकदम उनके सामने आते ब्रेक मारा। हाय अल्लाह, इन दोनों के कदमों को ब्रेक लगी। आंटी ने तो बाकायदा दिल पे हाथ रख लिया था। आई एम सॉरी, उसने आंटी से और गाड़ी में बैठे शख्स से माजरत की, जिस पर गाड़ी में बैठे आदमी ने गहरी नजरों से उसे देखते सर को हिला के ठीक है का इशारा किया, जिस पर वो तशक्कुर से उसे देखती आंटी का हाथ पकड़े आगे बढ़ गई। राय ऑफिस जा रहा था जब उसके साथ ये हादसा पेश आया था। जब उसने गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाई थी तब उसे काफी गुस्सा था, लेकिन सामने मौजूद लड़की की नकाब से झांकती सुरमई आंखों में एक जहर था, जिसकी वजह से वो गुस्सा भूले उसकी आंखों में खो गया था। उसे ऐसे लगा था जैसे इन आंखों में कोई मकनातीसी ताकत है जो उसे अपनी जानिब खींच रही है। ट्रैफिक रवानी से रवान दवा था, मगर उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बीच रोड पे गाड़ी रोके सहूलत से उसे देख रहा था। आयमा इन खातून को रोड के पास छोड़ के वापस अपनी गाड़ी के पास भी आ गई थी, मगर राइट तो जैसे वहीं गुम हो गया था। और फिर जब तक आयला की गाड़ी नजरों से ओझल ना हुई, वो वैसे ही गाड़ी रोके खड़ा रहा। आयला की गाड़ी जाते ही वो भी तेजी से गाड़ी आगे भगा ले गया, मगर इस गाड़ी के जाते जाते वो एक चीज नोट करना नहीं भूला था, और वो था आयला की गाड़ी का नंबर। उसने बहुत सी लड़कियां देखी थी, मगर वो सुरमई आंखों वाली लड़की उसे इन सब से अलग लगी थी। उसने सिर्फ उसकी आंखें देखी थी, मगर इस आंखों को देख के उसे पता चल गया था नकाब के पीछे एक हूर छुपी है, और इस हूर ने एक मिनट में उसके दिल की दुनिया में हलचल मचा दी थी। गुड मॉर्निंग सर, वो सूट बूट पहले पहने बालों को अच्छे से सेट किए एक हाथ पैंट की जेब में डाले चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए ऑफिस में दाखिल हुआ तो सबने उसे उठ के अदब से गुड मॉर्निंग कहा। वो सर के इशारे से जवाब देता नाक की सीट में चलते सीधे अपने ऑफिस रूम में घुस गया। उसके पीछे ही उसका सेक्रेटरी अहमद भी हाथ में चंद फाइल्स पकड़े दाखिल हुआ। सर, कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए और ये आज की मीटिंग की फाइल, अहमद ने उसके सामने फाइल रखते कहा। अहमद, तुम ये सब छोड़ो और मेरा एक बहुत जरूरी काम करो। मैं तुम्हें एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे सारी डिटेल चाहिए कि वो किसकी गाड़ी है, कौन है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, और उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली की भी डिटेल मुझे ठीक 2 घंटे बाद यहाँ अपनी टेबल पर मौजूद चाहिए। अगर 2 घंटे से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो तुम अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लेना। राइट फोन पे गाड़ी का नंबर उसे भेजते सख्त लहजे में कहता फाइल खोल के पढ़ने लगा, जिसका मतलब था अब तुम जा सकते हो। अहमद भी अपना फोन चेक करता ओके सर कहते बाहर निकल गया। अहमद के बाहर जाते ही राइट ने फाइल बंद की और आंखें बंद करते कुर्सी के पुर से टेक लगा गया। बंद आंखों के सामने सुरमई आंखें लहरा गईं, जिसकी वजह से उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। वो बेचैनी से बैठा अहमद का इंतजार कर रहा था। उसे गए 1.5 घंटा हो चुका था और इस 1.5 घंटे में हर 1 मिनट बाद राइट की नजरें दरवाजे की तरफ उठ रही थी। वो टांग पे टांग चढ़ाए इस इज़्तिरारी कैफियत में एक पाँव मुसलसल हिला रहा था। मजीद 5 मिनट गुजरे थे जब अहमद हाथ में एक फाइल पकड़े रूम में दाखिल हुआ। इतनी देर लगा दी तुमने, उसके आते ही राय फौरन सीधा हुआ। सर, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए, मैं तो टाइम से पहले ही आ गया हूँ, अहमद ने उसकी इत्तला में इजाफा किया। तो राय ने उसे घूरा, फालतू बातें मत करो और मुझे सारी डिटेल दो। राय जरा तेज लहजे में बोला तो अहमद ने गड़बड़ा कर फाइल खोलकर उसके सामने रख दी। सर, ये गाड़ी मोहम्मद मिर्जा के नाम पे है। मिर्जा साहब का अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उनकी ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं, 2 बच्चे हैं। एक बेटी है आयला जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके घर में ही रहती है, और एक बेटा है हुसैन जिसे उन्होंने बाहर पढ़ने भेजा हुआ है, और बीवी हाउसवाइफ है। अहमद ने सुकून से सारी तफसील उसकी गोश गुजार की।
और इनके घर का एड्रेस। दिलचस्पी से सुनते आखिर में एक अबरूज का सवाल किया, जी सर इस फाइल में मौजूद है, उनके घर का एड्रेस भी और ऑफिस का एड्रेस भी और सर साथ साथ सबके फोन नंबर भी हैं। अहमद ने फाइल की जानिब इशारा किया, जो उसने देखने तक की भी जहमत नहीं की थी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो वापस कुर्सी की पूछ से टेक लगाए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पेवस्त किए इत्मीनान से बोला, सर जो फाइल्स पर साइन करने थे वो। मैंने कहा जा सकते हो, उसने स्पार्ट अंदाज में कहा। तो अहमद हाँ में सर हिलाते बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही राइद ने हाथ बढ़ाकर वो फाइल उठाई और एक एक लफ्ज गौर से पढ़ने लगा, मगर जहां उसकी जुबान रुकी थी वो लफ्ज आयला था। कितनी ही देर तक वो आयला का नाम दोहराता रहा और फिर खुद ही अपनी हालत पे मुस्कुराता सर झटक कर दूसरी जानिब मुतवज्जो हो गया। जज्नान सेवन स्टार रेस्टोरेंट में बैठा महविश का इंतजार कर रहा था। ये उसका फेवरेट रेस्टोरेंट था जहां वो अक्सर आता जाता रहता था। रस से अलग रेस्टोरेंट की बैक साइड पर पूल के साथ शानदार सी मेज और कुर्सियां रखी थीं, जो सिर्फ और सिर्फ जज्लान खान के लिए होती थीं। आज जज्लान यहां महविश से मिलने के लिए आया था। उसने फोन करके महविश से मिलने का पूछा था और जिसे महविश तो इसी इंतजार में बैठी थी। यहाँ जज्लान ने पूछा, वहां महविश ने हाँ की। जज्लान अपने आदमी को भेजना चाहता था उसे लाने, लेकिन उसने इनकार कर दिया और जज्लान से लोकेशन पूछ के खुद ही आ रही थी। महविश एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को पता चले कि वो किसी लड़के से मिलने जा रही है। तभी खामोशी से अपने घर से निकली थी। जज्लान यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठा महविश का इंतजार कर रहा था। उसे इंतजार करना सख्त नापसंद था, मगर ये उसकी मजबूरी थी कि उसे इंतजार करना पड़ रहा था। वैसे ही तो महविश जैसी हसीन दोशीजा को हाथ से जाने तो नहीं दे सकता था। वो अपने फोन में मसरूफ था जब महविश को उसका गार्ड वहां छोड़ के गया। उसने कुछ गार्ड दरवाजे पे ही खड़े कर दिए थे ताकि अगर महविश आए तो कोई उसे रोके नहीं और वो आसानी से उसके पास आ जाए। सॉरी मुझे देर हो गई, वो माजरत पा लहजे में कहते उसके सामने खड़ी हुई। कोई बात नहीं बैठो, उसने नरमी से कहते कुर्सी की जानिब इशारा किया तो वो मुस्कुराती हुई हाथ में पकड़ा क्लच टेबल पर रखते बैठ गई थी। कोई मसला तो नहीं हुआ ना तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में, जज्लान ने मसनू फिक्रमंदी से पूछा। थोड़ा सा हुआ था, महविश अंगूठे और उंगली के दरमियान फासला उसे दिखाते आंखें छोटी किए बोली तो वो हंस लिया। मैंने तो कहा था गाड़ी भेज देता हूँ, मगर तुमने ही मना कर दिया। वो आप जनाब का तकल्लुक भूल के दोस्ताना अंदाज में बोला, असल में मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ अगर वहाँ मुझे लेने एक शानदार सी गाड़ी आती तो सब लोग तरह तरह की बातें करते। वो धीरे से मुस्कुराई, मैं समझ सकता हूँ, जज्लान ने कच्चे इंसान की तरह कहा। कुछ ऑर्डर करें, उसने मेन्यू कार्ड उसके सामने किया तो महविश ने झिझकते हुए पढ़ना शुरू किया। वहाँ हर चीज ही बहुत महंगी थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या मंगवाए, इसलिए अपने लिए बस सैंडविच ही मंगवा लिया। ऑर्डर देने के बाद जज्लान ने तजुर्ब से लब चबाती महविश को गहरी नजरों से देखा। वो बार बार कुछ कहने के लिए मुंह खोलती और फिर वापस बंद कर लेती। शायद वो कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो, जज्लान के पूछने पे उसने झिझकते हुए अपनी बात शुरू की। वो हमारी यूनि में एक लड़की है, वो आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही थी। महविश सुबह से ही एमल की बातें सुनने के बाद थोड़ी परेशान हो गई थी, इसलिए अब उसने इस बारे में सीधे जज्लान से ही बात करने का सोचा था। क्या कह रही थी, वो सुकून से बोला, यही कि आप ठीक इंसान नहीं हैं, जैसा आप हमें दिखाते हैं वैसे आप हैं नहीं, और आपने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद की है। वो रुक रुक के मोहतात अंदाज में बोली कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, जबकि जज्लान खान उसकी बात सुनने के बाद दिल में सोचने लगा कि वो लड़की कह तो ठीक रही थी। तो तुम बताओ तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ, क्या तुम्हें लगता है जैसा उस लड़की ने कहा था मैं वैसा ही हूँ, जज्लान ने ढेरों मासूमियत चेहरे पर सजाए पूछा। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, उसके बहुत से दुश्मन थे, कोई भी उसे नीचा दिखाने के लिए ये बात कर सकता था, मगर जज्लान खान भी अपने नाम का एक था। उसने लोगों के सामने अपनी इमेज इतनी अच्छी बना रखी थी कि उसके सपोर्टर्स हमेशा बढ़ते ही थे। मुझे आप बिल्कुल वैसे नहीं लगते जैसा उस लड़की ने कहा था, मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, रहमदिल हमदर्द और नरम मिजाज, महविश ने दिल से उसकी तारीफ की। अगर तो वो जान लेती कि सामने बैठे शख्स में एक भी वो खासियत नहीं है
जो उसने बताई है तो यकीनन अपने मुंह पर दो थप्पड़ लगा दी। उसकी बात सुनते जज्वान का दिल कहका लगाने को चाहा। वो कितना गलत सोचती थी उसके बारे में, उसे कितना अच्छा इंसान समझती थी, मगर जज्वान तो अच्छे का अलिफ भी नहीं था। चलो तुम छोड़ो ये सब बातों को, तुम्हारी नजर में अच्छा हूँ, मेरे लिए यही काफी है। जज्वान ने पहला पत्ता फेंका और हल्के से टेबल पे रखे उसके हाथ को थपथपाया, जिस पर पहले तो मैं भी चौंकी और फिर एक शर्मीली मुस्कान के साथ सर झुका गई। वैसे सच कहूं, जब तुम्हें पहली बार वहां सड़क पे खड़ा देखा था तभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सादा से हुलिये में तुम इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। जज्वान ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखते गंभीर लहजे में तीर चलाया था, जो महविश के शर्मीले तासरात से ये बात उस पे वाजे कर गया था कि तीर एकदम निशाने पे लगा है। जज्वान ने पास रखे बॉक्स से डायमंड की रिंग निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। कैसी लगी, उसने महविश का हाथ छोड़ते पूछा, जबकि महविश तो हैरत से इस चमकते हुए हीरे को देख रही थी। बहुत अच्छी, वो हीरे पे उंगली फेरते हुए खुशी से बोली, अब कुछ खा लेते हैं फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ऑर्डर आते ही जज्वान ने उसका ध्यान खाने की जानिब दिलाया तो वो मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाती अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। महविश के चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था, जिसे देख के जज्वान दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ था। उसे अब अपनी मंजिल काफी करीब नजर आ रही थी। नवाल नूर बेगम धीरे से कमरे का दरवाजा खोलते अंदर आई तो वो ऊंधे मुंह लेटी हुई थी। नवाल, तुम्हारे बाबा ने कहा है आज रात को तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे तो तैयार रहना, नूर बेगम दरवाजे पे खड़े ही बोली, जिसपे नवाल एक झटके से सीधी होती आंखों में ढेरों आंसू और बेयकीनी लिए इन्हें देख रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेज देती हूँ, तुमने सुबह का नाश्ता किया हुआ है सिर्फ, पहले कुछ खा लो उसके बाद तैयार हो जाना। नूर बेगम उसे नजरें चुराते कमरे से निकल गई। वो जानती थी कि नवाल अभी शादी नहीं करना चाहती, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके पीछे वजह क्या है और ना ही उन्होंने कभी इससे पूछने की कोशिश की थी। उनके लिए सिर्फ नवाल की खुशी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट जरूरी थी। बाप भाई का प्यार तो उसे मिला नहीं था, मगर उन्होंने हमेशा नवाल को सीने से लगा के रखा था। वो उसे ऐसे रोते नहीं देख सकती थी, उन्होंने हमेशा कोशिश की थी कि नवाल की आंखों में आंसू ना आए, मगर हर कोशिश कामयाब नहीं होती और वो ये भी जानती थी। बचपन से ही उन्होंने नवाल को सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसे बाप भाई के प्यार की कमी महसूस ना हो इसलिए वो हर वक्त उसके साथ रहती थी, मगर वो जानती थी कि इंसान को हर रिश्ते का प्यार चाहिए होता है। माँ चाहिए अपनी औलाद को कितना भी प्यार कर ले, लेकिन माँ बाप बाप होता है उसके प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत बार तुराब साहब से इस बारे में बात भी की थी कि भले वो नवाल को वक्त नहीं देते, भले वो उसकी किसी चीज का होश नहीं रखते, मगर जब नवाल प्यार से बाबा पुकारती है तो एक बार ही से ही उसकी तरफ प्यार से देखने, प्यार से उसके सर पे हाथ रखने। मगर तुराब साहब का तो जैसे खून सफेद हो गया था। उनके जाते ही नवाल ने तेजी से तकिए के नीचे से फोन निकाला और हसाम को मिलाया। हेलो, दो बैल के बाद फोन उठा लिया गया था। हसाम, बाबा बाबा मेरी शादी कर रहे हैं, उन्होंने आज लड़के वालों को बुलाया है, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी हसाम आपके बगैर, मैं नहीं कर पाऊंगी किसी और से शादी। नवाल हिचकियों के बीच बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल करती जारों की तार रो दी। उसके रोने की आवाज सुनते हसाम का दिल डूबने लगा था, जबकि उसकी शादी का सुनते उसका दिल मानो जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। नवाल, तुम रो नहीं, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, बस मुझे ये बताओ कौन लोग हैं वो जो आज आने वाले हैं। हसाम परेशानी से बालों में हाथ फेरते इस्तफसार करने लगा। मुझे नहीं पता, वो अब तक रो रही थी, आंखों से आंसू तेजी से रवा थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। हसाम उसे तसल्ली देते फोन बंद कर गया तो नवाल भी थोड़ी रिलैक्स होती आंसू पहुंच गई। 5 मिनट ही गुजरे थे जब उसका फोन दोबारा बजा। हसाम की कॉल आते देख उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। कुछ हुआ? कॉल रिसीव करते ही उसने बेचैनी से पूछा, नवाल मेरी बात गौर से सुनो, जैसा तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं वैसा ही करो, समझ गए? हसाम की बात सुनते नवाल चौंकी, मगर मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती, बुरुंधी आवाज में बोली, बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें किसी के सामने नहीं जाना पड़ेगा, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। हसाम के प्यार से कहने पर
वो ऐसे हाँ में सर हिला गई जैसे वो उसे देख रहा हो। छोटी छोटी बातों पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगा, तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, हसाम मुस्कुराते लहजे में बोला, तो नवाल के लबों पे भी मुस्कान आ गई। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, उसने प्यार से कहा, तो वो जी कहते कॉल काट गई। अब वो कदरे रिलैक्स हो गई थी, उसे हसाम पे पूरा यकीन था कि वो सब संभाल लेगा, इसलिए वो मुतमईन होती उठ के अलमारी की जानिब बढ़ गई। आखिर घर वालों के कहे के मुताबिक उसे तैयार भी तो होना था,